अब देखिए इंडिया की सड़कों पर जो है वो टेस्ला फिर रही होनी है, और दूसरी तरफ जो है कुछ दूर बॉर्डर पार जो है वो रिक्शे जो है वो भी बंद हो रहे हैं। टेस्ला की भारत में एंट्री हो गई है। पुणे में खुला है टेस्ला का नया ऑफिस। आप जानते हैं कि जो इलोन मस्क हैं वो उन्होंने जो प्लांट है 3 2 to 3 बिलियन डॉलर प्लांट वो लगाना है, उसकी फैक्ट्री जो है वो लगनी है इंडिया में। पीएम मोदी ने की थी एलन मस्क से मुलाकात। मस्क ने भी की थी पीएम मोदी की तारीफ। ये नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी हमें नहीं आती। भारत तो हमें नरेंद्र मोदी के मुताबिक कहता है, हम तो पाकिस्तान को, जो इतनी खौफनाक बात उसने की है कि शर्म से डूब पड़ना चाहिए। देखिए मोदी साहब पे लोगों ने हमें ट्रस्ट नहीं किया, उस बंदे ने सब कुछ दिया है। टेस्ला की टीम अप्रैल के एंड में भारत जा रही है ये देखने के लिए कि कहां पर 3 बिलियन डॉलर्स का टेस्ला का प्लांट ले जाया जाए, और पहली इन्वेस्टमेंट आ रही है भारत के अंदर, क्योंकि टीम पूरी की पूरी टीम आएगी भारत के अंदर। कि मैंने अब पाकिस्तान को इसकी जरूरत नहीं है उसको सोचने के बने, मैंने पाकिस्तान को इस काबिल कर दिया कि वो कटोरा लिए यूं यूं भीख मांगता फिरता है। जो है वो इंडिया के अंदर भी जानी जाएगी और इससे बड़े फायदे होने वाले हैं इंडिया के अंदर। क्या समझते हो कि हर इन्वेस्टर जो है वो इंडिया का रुख क्यों करा है, इंडिया के अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है? अगर इंडिया से ट्रेड खुलता है तो पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 24 घंटे के अंदर 40% कम हो जाएगी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि बर्लिन के अंदर जो टेस्ला की फैक्ट्री है, जो टेस्ला की कंपनी है, वो स्पेशल इंडियंस के लिए स्पेशल गाड़ियां बना रही है, राइट हैंडेड गाड़ियां बना रही है, और बहुत जल्द वो गाड़ियां सड़कों पर भी आती हुई नजर आ। हर चीज इंडिया में स्टार्ट हो रही है, उत्थे बंद हो रही है हर काम, बॉर्डर के उस पासे जड़ाएगा हर काम शुरू हो रहा है। अब आप जानते हैं कि जो इलोन मस्क हैं वो उन्होंने जो प्लांट है 3 2 to 3 बिलियन डॉलर प्लांट वो लगाना है, उसकी फैक्ट्री जो है वो लगनी है इंडिया में, और उसके लिए उन्होंने अपनी टीम भेज दी है, और बल्कि वो टीम भेज रहे हैं अप्रैल के एंड में, क्योंकि और लोग मजीद वहां पर पहुंच रहे हैं कि वो कहां पर ये प्लांट लगाएं। लेकिन इसी से पहले इंडियंस के लिए उन्होंने ईवी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। इतनी जल्दी है उनको, देख लें इलोन को कितनी जल्दी है। वो कह रहे हैं ऐसा ना हो, मोदी साहब ने पहले ही बड़ी मुश्किलों से जो है वो ये माने हैं इस बात पर, और आपको याद होगा वो कह रहे थे, वो तो काफी अर्से से कह रहे थे इलोन, तो बड़ी मुश्किलों से उनसे जब मुलाकातें शुलाकातें हुई उनकी, उन्होंने थोड़ा सा बूट पॉलिश की इलोन ने, और फिर उन्होंने कहा भाई हम मैं तो ये वो वगैरह वगैरह, उसके उनको जो है वो बड़ी है, उन्होंने भेद भाल के अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो है मोदी हुकूमत ने उनको इजाजत दी। तो उनका कहीं ऐसा ना हो कि हम तो वहां पे फैक्ट्री के लिए, प्लांट के लिए फैक्ट्रियां ढूंढते फिर रहे हैं, यानी कि जगह ढूंढ रहे हैं वहां पे फैक्ट्री लगाने के लिए, तो ऐसा ना हो कि उसको देर हो जाए और उधर से कुछ और सोच लिया जाए। तो उन्होंने अपनी बर्लिन फैक्ट्री से ही वो स्टार्ट कर दिया काम। हो सकता है वो एक होता है ना कि आप इसको टेस्ट भी कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट हो जाता है, वो उन्होंने कर लिए। कि ये तो आप जानते हैं कि उन्होंने इंडिया में प्लांट लगाने हैं, वहां पे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और 2-3 और जगह हैं कि जहां पर ये देखा जा रहा है कि कहां पर वो साइट उनको मिल रही है और वो किस जगह पर। जाहिर है 2 to 3 बिलियन डॉलर्स की उनकी वो इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं पर देखकर ही लगाएंगे, तो वो जगह ढूंढ रहे हैं, अपनी टीम जो है वो भेज रहे हैं कि वहां पे जाके आप सेट करें। लेकिन वो इंडिया में प्लांट लगने से पहले ही 1 अप्रैल को देखें, वैसे तो 1 अप्रैल को जो है 1 अप्रैल फूल मनाया जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन इंडिया के लिए जो है एक और काम हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। लेकिन पहले ये वाला जरा कर लें, इलोन मस्क वाला, उन्होंने किया क्या इलोन ने, टेस्ला जो है उसने जो उसकी बर्लिन फैक्ट्री है उसी के अंदर इंडियंस के लिए अपनी कार जो है वो लॉन्च कर दी। तो इसमें ये हुआ है कि उन्होंने किया क्या है कि जो उनकी बर्लिन फैक्ट्री है जर्मनी में जहां पे वो ये बना रहे हैं, तो वहां पर राइट हैंड ड्राइव फॉर इंडियंस वो कार्स जो है वो उन्होंने पहले ही स्टार्ट कर दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्शन है राइट हैंड ड्राइव कार्स एट इट्स बर्लिन फैक्ट्री फॉर इंडियंस, और खास तौर पर ये टेलर्ड फॉर इंडियन मार्केट, ये जो गाड़ियां वो वहां पर उन्होंने लॉन्च की हैं बर्लिन में अपनी बर्लिन फैक्ट्री से, वो टेलर्ड है फॉर इंडियंस और फॉर इंडियन मार्केट। और ये जो कार है ये आप समझ लें कि एक्सपेक्टेड है कि ये रोड पर आ जाएंगी कोई इसी साल में, कुछ चंद महीनों के बाद, 1-2 महीनों के अंदर, या आपको कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा कि वो वाली गाड़ियां रोड पर आ गई हैं। और ये है एक ऐसा माइलस्टोन उन्होंने वो कर लिया ना, कि देखिए कि जो इलेक्ट्रिक यानी व्हीकल है ईवी, वो इससे पहले कि वो इंडिया में जो प्लांट लगाना है उसको, क्योंकि अभी टाइम है और वो उसके लिए जगह ढूंढ रहे हैं, साइट तलाश की जा रही है, तो उसके लिए वो कर क्या रहे हैं कि उससे पहले उन्होंने बर्लिन में ही वहां पर जो है वो उन्होंने कहा यहीं से आप लॉन्च कर दें इंडियंस के लिए
टेलर्ड कार्स फॉर इंडियन। सर ये इंडिया के साथ ट्रेड हम कब खोलेंगे, बात तो हम करते हैं कि ट्रेड होनी चाहिए हमसायों के साथ और इसका ऑब्वियसली फायदा दोनों ममालिक होगा, पाकिस्तान को होगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से अच्छी खबरें भी आ रही हैं, तो मजीद बेहतर हो सकती है इकोनॉमी अगर हम अपने हमसाय ममालिक के साथ तजारत आगे बढ़ाएं। क्या वजह है इस प्रॉब्लम को आगे क्यों? अगर इंडिया से ट्रेड खुलता है तो पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 24 घंटे के अंदर 40% कम हो जाएगी, क्योंकि जितनी दालें सब्जियां गोश्त हम जो मंगा रहे हैं और बाहर मसलन दालें हमारी इंपोर्ट हो रही है कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से, तो आप सोचें कि कनाडा आने जाने का या ऑस्ट्रेलिया आने जाने का टिकट कितना है, वो जहाज का किराया कितना है उसका, तो फ्रेट कितना लगेगा, उस पर इंश्योरेंस लगेगी, तो वो सारी कॉस्ट जब निकलेगी तो आपकी 50% तक तकरीबन ये कम हो जाएगी यहाँ पे जो कॉस्ट है। इस तरह वाघा से अगर ट्रक के ऊपर सब्जियों ने आना है और किसी और मुल्क से बैरी जहाज पे आना है उन्होंने, तो उसकी कीमत में जमीन आसमान का फर्क होगा। टेस्ला एलोन मस्क टेस्ला लेकर $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, अब टेस्ला जो है वो इंडिया के अंदर भी जानी जाएगी और इससे बड़े फायदे होने वाले हैं इंडिया के अंदर। क्या समझते हो कि हर इन्वेस्टर जो है वो इंडिया का रुख क्यों कर रहा है, इंडिया के अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है? मैम सबसे पहली वजह तो ये है कि इंडिया, देखें इंडिया की आबादी कितनी है, इंडिया 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है और उसकी एक मार्केट वैल्यू है। बलिहाज पाकिस्तान हम देखें, पाकिस्तान में मसला ये है कि जो यहाँ के फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ठीक है, उनका ग्रिप इतना ज़्यादा है इकोनॉमी में कि दूसरी जो इन्वेस्टर्स हैं वो आ ही नहीं सकते, और जो हम चल रहे हैं ट्रेडिशनल वे पे चल रहे हैं, ठीक है, इंडिया आज भी देखें हाइब्रिड मोड पे चल रहा है, वो कभी सोशलिज्म पे जा रहा है कभी कैपिटलिज्म पे भी जा रहा है, ठीक है, लेकिन हम पाकिस्तान वाले यहीं फंसे हुए हैं कि हमने क्या करना है, हमें ये भी नहीं पता कि जो हम इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू चलें या एक कैपिटलिस्ट क्लास के थ्रू चलें। अब यहाँ पे मसला आता है कि आपका इन्वेस्टर जो बाहर का इन्वेस्टर है वो आपकी कंट्री में क्यों इन्वॉल्व हो, जब उसे पता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कितनी है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन कितनी है, उसे सबसे पहले मसला अपनी इन्वेस्टमेंट का होगा, उसे डर ये होगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट कहीं चली ना जाए। इंडिया में ऐसे नहीं है, इंडिया में आज भी डेमोक्रेसी है, इंडिया में आज भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो बाहर का इन्वेस्टर है जो बड़ा इन्वेस्टर है वो ये कहेगा कि भाई अगर हमने इन्वेस्ट करना ही है ना तो अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और ग्रो भी करे। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, क्या लगता है कि अगर हम देखें तो इंडिया जो है जिस तरह से हर किसी को सेफ लग रही है, एक मौशी लिहाज से, एक मतलब वैसे भी हर मजहब जो है वहाँ पर इस टाइम है, हर चीज जो है इंडिया के अंदर इस टाइम मौजूद है, क्या लगता है कि भाई हर किसी की जो निगाह है वो इंडिया पे टिक रही है, लेकिन पाकिस्तान आज भी इतलाफात में पड़ा हुआ है, पाकिस्तान को नजर ही नहीं आ रहा कि इंडिया के साथ कितने फायदे जुड़ सकते हैं, क्यों? मैम देखें, सबसे पहली बात होती है सॉफ्ट डिप्लोमेसी की, एक सॉफ्ट पावर होती है, इंडिया हमसे बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है सॉफ्ट पावर को पोर्ट्रे, ठीक है, बनिस्बत पाकिस्तान, पाकिस्तान ज़्यादातर क्या कर रहा है ट्रेडिशनल वे पे चल रहा है।